जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक यूनिट 2 का टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल सब्जेक्ट के जो ये नया सब्जेक्ट सिलेबस आया है जो इस बार, उसमें एक टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल। मैं इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे है, किस तरह से ये वर्क करती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन्हीं बातों पे मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक व्हीकल इन यूनिट 2। सो दिस इज माय कंटेंट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या। एज पर द नेम द वर्ड इज इलेक्ट्रिक, तो समबडी कैन से दैट देयर इज यूज ऑफ बैटरी। बिल्कुल सही है कि हम इंस्टेंट ऑफ यूज गैसोलीन और अ डीजल फॉसिल फ्यूल को ना यूज करके हम उस जगह यूज करें बैटरी एज अ ट्रांसमिशन सिस्टम और अ पावर सप्लाई, एंड ऑल द कंपोनेंट आर सेम, बट द मेन थिंग इज दैट वी इंस्टेंट ऑफ यूज गैसोलीन और अ डीजल वी यूज बैटरी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल एज पर द आई एम सेड दैट दैट इज द टॉपिक कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये हमारा एक प्रकार का क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द आल्सो रिफर्ड एज द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, दिस इज कॉल्ड अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्या है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें बैटरी लगी है और इसका जो शॉर्ट नेम जैसे एब्रीविएशन जिसको शॉर्ट नेम कहते हैं दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इज ईवी। इसको क्या लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ईवी, ईवी इज द शॉर्ट नेम। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल आर व्हीकल दैट आर आदर पार्शली और फुली पावर्ड, मतलब कभी कभी क्या हो ये दो तरीके से हैं, ये या तो पूरी पूरी डिपेंडेंट होंगी इलेक्ट्रिक पे या ये पार्शली डिपेंडेंट होंगी इलेक्ट्रिक पे। अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे कहां कहां इस तरह के कंपोनेंट यूज होंगे। सो एक चीज तो कंपोनेंट समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आपके क्या है, दे आर यूज रिफर्ड एज अ बैटरी, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर आदर अ फुली ड्राइव बाई या फुली पावर गवर्न बाय इलेक्ट्रिक पावर और पार्शली गवर्न बाय इलेक्ट्रिक पावर, या तो ये आधे आधे पूरे पूरे गवर्न होंगे इलेक्ट्रिक पावर पे या पूरे गवर्न होंगे, अभी उसका रीजन दूंगा। द बैटरी आर चार्ज्ड बाय अ प्लगिंग, बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, बैटरी आर चार्ज बाय प्लगिंग द व्हीकल टू इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज। मतलब यानी मुझे समझ में आया पूरे पूरे लॉजिक में कि यू हैव नॉट यूज्ड, आप लोग यूज ना करिए इसमें पेट्रोल, ना यूज करिए डीजल जो इंटरनल कंबक्शन इंजन में हम लोग यूज कर रहे थे, आप इस जगह क्या यूज करिए कि आप एक बैटरी लीजिए और उस बैटरी को पावर देने के लिए आप केबल और इस तरह का यूज करें, अभी मैं कंपोनेंट बताऊंगा। तो सीधे सीधे मन में आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आल्सो रिफर्ड एज अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड दे आर फुली गवर्न बाय अ बैटरी और आदर पार्शली गवर्न बाय अ बैटरी, एंड बैटरी इज चार्ज बाय विद द हेल्प ऑफ प्लगिंग द केबल और सम केबल इनटू इलेक्ट्रिक सोर्स। मैंने मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स से उसको चार्ज किया, बैटरी को चार्ज किया और गाड़ी में सप्लाई किया और गाड़ी चलने लगी, सीधा लॉजिक है। और क्या कंपोनेंट होंगे वो एक एक चीज से मैं बारीक से समझूंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव लो रनिंग कास्ट, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने देखा ई रिक्शा क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके बाद लो रनिंग कास्ट क्या है, क्योंकि इसके दौरान क्या होता है कि आपको जैसे मालूम है डीजल और पेट्रोल क्या है हमारी इस समय बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल जो है वो इकोनॉमिकली ज्यादा मतलब पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप बैटरी चार्ज कर लीजिए और बैटरी सप्लाई क्या आपका क्या 16 रुपीज पर यूनिट है आपको उसके हिसाब से हो रहा है। तो रनिंग कॉस्ट क्या है, द रनिंग कॉस्ट इज लेस। अब जब रनिंग कॉस्ट लेस है, दूसरी चीज है इमिशन नहीं होगा क्योंकि मूविंग पार्ट जो होंगे इसमें कम होंगे, सो लेस मूविंग पार्ट, यहां मूविंग पार्ट कम है क्योंकि गियर मैकेनिज्म बहुत कम छोटा होता है इसमें, क्लच मैकेनिज्म बहुत छोटा है, तो लेस मूविंग पार्ट, सो दैट्स व्हाई इमिशन इज लेस, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, सो लेस मूविंग पार्ट फॉर मेंटेनेंस एंड आल्सो वेरी इमिशन कम है, सो लेस वेरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज दे यूज लिटिल और नो फॉसिल फ्यूल, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल। कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नथिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द जस्ट लाइक अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल
एंड दे आर आइदर पार्शली और फुली पावर्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर एंड बैटरी आर चार्ज बाय प्लगिंग द व्हीकल इनटू एन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, पहली चीज। दूसरी चीज क्या एडवांटेज है, मतलब क्या इसका बेनिफिट है, दे हैव लो रनिंग कॉस्ट क्योंकि दे हैव लेस मेंटेनेंस, लेस मूविंग पार्ट एंड ऑल्सो वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्योंकि कोई पॉल्यूशन करता नहीं है, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एज दे यूज लिटिल नो फॉसिल फ्यूल। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, कभी कभी फॉसिल फ्यूल यूज करना पड़ेगा, मैं वो भी कंसेप्ट दूंगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, दे आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज दैट इज कॉल्ड फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द सेकंड इज कॉल्ड प्लग इन हाइब्रिड। फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, जहां पर पावर आपको सिर्फ आप गाड़ी को चलाने के लिए बैटरी की मदद ले रहे हैं, मतलब बैटरी को चार्ज कर लिया और कोई सोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ी आपने। जब इस तरह की पूरी पूरी गाड़ी है इलेक्ट्रिक की तो उसको कहते हैं फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें क्या होता है कि इसमें मूविंग कंपोनेंट जो होते हैं बहुत कम होते हैं और ये ज्यादा दूरी के लिए इस तरह की गाड़ी नहीं बनाई जाती है, ज्यादा दूरी आपकी कवर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है ये बहुत, जैसे आपको पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है या ज्यादा लोगों को लेके चलना है, इस तरह की व्हीकल फिर हमारे सपोर्ट में नहीं होती हैं क्योंकि उस जगह हमें कहीं ना कहीं कुछ फॉसिल फ्यूल यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए या एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जहां फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो क्या है कि फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, कंपेयर टू इंटरनल कंबक्शन बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे इंटरनल कंबक्शन इंजन में हमारा क्या हुआ, फ्यूल पड़ा, यहां पर क्या होगा, पावर देने के लिए इलेक्ट्रिक का यूज किया जिसमें बैटरी लगी हुई है, उनको चार्ज किया एंड दे आर 99 fewer, बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट इसमें नहीं होते हैं, सो इट इज कॉल्ड अ फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें एडवांटेज क्या है, अब जब इलेक्ट्रिक लगा है तो कोई नॉइस नहीं है इसमें क्योंकि कोई आपका इनलेट ओपनिंग ऑफ द वॉल्व की मैकेनिज्म नहीं है, सो दैट्स वाई क्रिएट वेरी लिटिल नॉइस। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये है आज के एनवायरमेंट को देखते हुए, जो आज देखते हैं आंखों में दर्द हो रहा है आपको और ये सब चीजें, पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन फ्री है, सो दैट्स वाई नो एग्जॉस्ट, नो स्पार्क प्लग, क्लच और गियर कुछ है ही नहीं इसमें, गियर्स नहीं है तो आवाज नहीं है, स्पार्क नहीं है, लेस कॉस्ट की हो जा रही है, हाई वेट ज्यादा नहीं है, सो नो एग्जॉस्ट, कोई इस तरह का धुआं नहीं है एंड डज नॉट बर्न फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल को जला ही नहीं रहा है सो दैट्स इज कॉल्ड रिचार्जेबल बैटरीज। इनकी बैटरी को आप रिचार्ज करिए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, हमारी एनर्जी भी सेफ हो रही है। दिस इज द फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें पूरा पूरा पा। अब क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो डिजाइन की जाती है उसमें क्या होता है कि आपको पहाड़ों के ऊपर चढ़नी है, इस तरह की व्हीकल हमें बनाना है और बहुत दूरी के लिए बनाना है, तब हम क्या करते हैं कि बैटरी भी इस्तेमाल करते हैं और हम कभी कभी क्या यूज कर देते हैं, फॉसिल फ्यूल भी यूज करते हैं। अब फॉसिल फ्यूल कब यूज करेंगे, जब मान लीजिए कि हमें कहीं चढ़ाई चढ़नी है तो हमारी बैटरी उतना नहीं चढ़ पाती, हम तुरंत स्विच को चेंज कर देंगे और उस समय पेट्रोल पे गाड़ी उठा लेंगे और जब नहीं मुझे जरूरत होगी तो मैं बैटरी भी यूज करूंगा। इस तरह की जो ये कॉम्बिनेशन होता है इसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं, जो अनदर टॉपिक हमारा। सो दिस इज कॉल्ड प्लग इन हाइब्रिड। सो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफर अ मिक्सचर ऑफ बैटरी एंड पेट्रोल और डीजल पावर। इसमें दो तरीके के होता है, बैटरी स्मूथ चलने के लिए और जब लॉन्ग लास्टिंग चलना है तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल को भी यूज करते हैं। दिस मेक देम बेटर फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, कितनी लॉन्ग डिस्टेंस, एज यू कैन स्विच टू ट्रेडिशनल फ्यूल रेदर देन हैविंग टू फाइंड चार्ज पॉइंट टू। आपको लगता है कि आप 20 किलोमीटर चलते हैं आपकी बैटरी खत्म हो गई है, देन यू हैव, आप अपने स्विच को डाउन करिए, आप पेट्रोल और डीजल को यूज करिए, जैसे ही आपको चार्जिंग पॉइंट कहीं पे मिल जाता है, चार्जिंग स्टेशन, अपनी बैटरी चार्ज करिए, फिर आप चार्ज फिर बैटरी को मूव करिए। इस तरह की व्हीकल जो एक ही गाड़ी में दो फंक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और पार्शियली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे इंटरनल कंबक्शन इंजन में क्या है कि जब ये पेट्रोल से चलेगी तो आपका क्या होता है, शोर भी करेगी और दूसरी चीज है कि पॉल्यूशन को भी क्रिएट करेगी। सो दैट्स व्हाई अप्लाई टू कंबक्शन इंजन व्हीकल हैव सच अ नीड फॉर मोर मेंटेनेंस, इनको मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से भी करते हैं और कंपोनेंट भी और लग जाते हैं तो हैवी व्हीकल बन जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, इंजन नॉइज बढ़ जाती है, इमिशन प्रॉब्लम आ रही है एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ये भी इसमें बढ़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल समराइज द हाउ द इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्क। थैंक यू क्लास।